सस्ती चीजें बेचेंगे तो लोग भी खुश होंगे। भले मुनाफा कम हो जाए लेकिन फरोख ज्यादा होनी चाहिए। एक सैंडविच दे दो और आपके कीमे के समोसे की बड़ी तारीफ सुनिए। कीमे के समोसे तो खत्म हो गए यार, एक से कैंटीन बंद कर रहा है ये दूसरा, उससे भी दो हाथ आगे निकला। तुझे पता है रोजाना कितना माल वापस लेकर जाता हूँ घर। मुझे लगता है हम चीजें कम क्वांटिटी में बना रहे हैं। अरे कम नहीं बना रहे, अल्लाह का शुक्र है कि सबको पसंद आ रही हैं चीजें। अगर कैंटीन खुली रखना चाहता है ना तो रोजाना आधे टाइम पे बंद कर दिया कर। दोस्त कैंटीन तो मैं अपने वक्त पर ही बंद करूंगा। अरे सायमा, हमें कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। अच्छा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। मैं मिठाई लेके आता हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो जाऊँ क्यों? अरे भाई भाभी के यहाँ चलते हैं ना। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं उन्हें फोन करके बता देती हूँ पहले। अरे ऐसी खुशखबरियाँ फोन पर नहीं देते, इस बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ भाई, बच्चों के साथ घूमना फिरना भी हो जाएगा, बहनों के भाइयों के जितने काम है वो भी हो जाएंगे, है ना? अरे वो शमा नजर नहीं आ रही, शमा कहाँ है? आपकी परी अंदर सो रही है। अच्छा, अल्लाह तेरा शुक्र है। देखा, सबने मेरी बात से इत्तेफाक किया, घर की बनाई हुई चीजों की बात ही कुछ और होती है। अरे तो मैंने कब मना किया था जी? इस तरह कॉलेज के स्टूडेंट्स को कैंटीन का साफ सुथरा खाना भी मिल जाएगा। हाँ अच्छा, ये बताएं कि आपने भाई से रेट के हवाले से कोई बात की है? बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि जो दूसरी कैंटीन का रेट है वही रेट हम रख लेते हैं। अरे वो तो बाहर से मंगवाता है, महंगा पड़ता होगा और महंगा बेचता होगा। तो फिर? फिर ये कि हमें सस्ता पड़ेगा तो हम रेट भी कम रखेंगे। अब इतना सस्ता भी नहीं पड़ेगा, 19-20 का फर्क होगा बस। अरे बेगम देखना, सस्ती चीजें बेचेंगे तो लोग भी खुश होंगे। भले मुनाफा कम हो जाए लेकिन फरोख ज्यादा होनी चाहिए। हाँ ये तो है। अच्छा मैं सोच रहा था कैंटीन में आमतौर पर जो चीजें होती हैं उससे हटकर भी कुछ रखा जाए, और वैसे भी आजकल के लड़के लड़कियां जो हैं वो बाहर होटलों से ज्यादा खाना खाते हैं, तो कुछ इस तरह के आइटम्स होने चाहिए जो होटल्स की तरह हों। तुम क्या कहती हो, और कोशिश करने में हर्जी क्या है? हाँ ठीक है। ठीक है तो फिर क्या बना रही हो? यार एक सिगरेट का पैकेट देना। सॉरी, हमें यहाँ सिगरेट रखने की इजाजत नहीं होती। चाचा सिगरेट रखने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए होती, सामने वाली कैंटीन चली सिगरेट पे रही है। भैया सिगरेट रखना शुरू कर दो वरना कैंटीन नहीं चलेगी तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ कॉलेज में मैथ पढ़ाता हूँ। जी जनाब हुकुम। आज ही बस छुट्टियों से वापसी हुई है तो पता चला कि कैंटीन जो है वो नए लोगों ने संभाल लिए। जी जी जी। तो सोचा क्यों ना कैंटीन का जायका चख लूं। जी जनाब क्यों नहीं, बिल्कुल फरमाइए क्या चाहिए आपको। एक सैंडविच दे दो और आपके कीमे के समोसे की बड़ी तारीफ सुनी है। सर माजरत के साथ, कीमे के समोसे तो ख़त्म हो गए लेकिन आलू के समोसे हैं, कल आपके लिए गर्मा गर्म कीमे के समोसे निकाल कर रखूँगा। अरे शुक्रिया, चले आए, रहने दें, आप ऐसे करेंगे आलू के समोसे ही दे दें। जी जी। थैंक यू। मुझे लगता है हम चीजें कम क्वांटिटी में बना रहे हैं। वो क्यों? आखिर में टीचर्स और लड़कों को मना करना पड़ता है कि चीज खत्म हो गई है, खासतौर पर समोसे, वो तो हाफ ब्रेक में ही खत्म हो जाते हैं। अरे कम नहीं बना रहे, अल्लाह का शुक्र है कि सबको पसंद आ रही हैं चीजें। हाँ हो सकता है ऐसे ही हो।
अब ये बताइए कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो लड़कों को या स्टाफ के लोगों को चाहिए और हमारी कैंटीन में ना हो? वो बिल्कुल है, सिगरेट। लगता है आजकल के लड़के खाना इतना नहीं खाते जितनी मकदार में सिगरेट पी जाते हैं। हर दूसरा लड़का सिगरेट लेने के लिए आ जाता है, मुझे तो बहुत अफसोस होता है देखकर। मैं तो सोच रहा हूँ प्रिंसिपल साहब से शिकायत कर दूँ और दूसरी कैंटीन से भी ये बवाल हटवाऊँ। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है हमारी। कोई ज़रूरत नहीं है इस मामले में पढ़ने की, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगला रख रहा है सिगरेट तो आप भी रखें अपनी कैंटीन में सिगरेट। दिमाग ठीक है तुम्हारा, मेरे आगे ही किसी गुनाह से कम नहीं है और दो चार पैसों की खातिर मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। क्या बात कर रही थी मैं, आप बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। ये बताएं कि आपके दोस्त ने पैसे वापस किए? अरे भाई, उसके पास होंगे तो वो खुद दे देगा। कर्जा लेते हुए तो 10-10 बार फोन करते हैं और जैसे ही पैसे मिल जाते हैं ऐसे गायब होते हैं जैसे। अच्छा तुम अपना फोन नहीं जलाओ, मुझे भरोसा है उसके ऊपर। ठीक है, करते रहे अंधा भरोसा और करते रहे अपना नुकसान इसी तरह। अब छोड़ो भी ना भाई, ऐसा करो तुम ये बनाओ जब तक मैं अपनी परी की कहानियां सुन के आता हूँ। पैसे तो चेक कर लेता पहले। अबे मैं समझा होंगे, चल कोई टेंशन नहीं है, निकलते हैं अभी। यार भाई साहब को बता तो दे कि कल देंगे पैसे। यार क्यों लंबी कर रहा है, कल हुए तो दे देंगे वरना गोल कर देंगे। यार उसको क्यों चूना लगा रहा है, वो बेचारा शरीफ आदमी है, मैं बोल देता हूँ। यार वो अपने काम में मगन है, क्यों नहीं याद दिला रहा है, चल कटते हैं। एक से कैंटीन बंद करवाई तो ये साला दूसरा उससे भी दो हाथ आगे निकला। यार तू एक काम कर, तू अपनी कैंटीन पे ध्यान दे तो शायद ऐसा ना हो। अबे सब कुछ तो है मेरे पास यार, फिर भी काम दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। तुझे पता है रोजाना कितना माल वापस लेकर जाता हूँ घर। तू भी अपने रेट गिरा दे, इससे भी नीचे ले आ। अबे ओए तू मेरी कैंटीन बंद करवाएगा क्या? वो साला तो पता नहीं कहाँ से 2 नंबर माल उठा के ले आता है जो इतना सस्ता बेच रहा है। एक और भी काम हो सकता है तो उसकी कॉलेज में शिकायत कर दे। हाँ मैं भी ये सोच रहा हूँ। बस सोच क्या रहा है, जा और जाकर आज ही शिकायत कर दे। ठीक है, मैं मास्टर साहब के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि ये जो नया बंदा है ना, ये सस्ते के चक्कर में गंदा और घटिया माल बेच रहा है और सिगरेट के अलावा चर्च का काम भी छप्पड़ में कर रहा है। मेरे ख्याल से चर्च वाली बात मत करना, क्योंकि उसकी कैंटीन से आज तक किसी लड़के को सिगरेट तक नहीं मिली है। पहले सिर्फ खराब चीज़ों की शिकायत कर, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, समझा? अरे मैं भूल गया, चलो भाई। अरे भाई आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइमा खाना लगा दो, भाईजान आ गए। अरे नहीं फिर कभी सही, आज बहुत देर हो गई है। चलो बेटा रुमैसा, चलो घर चले, शाबाश। अरे भाई किसी दिन फुर्सत से टाइम निकाल कर आए, और काफी दिन हो गए भाभी भी नहीं आई। अरे हाँ जरूर आएंगे, तुम बेफिक्र रहो। ये बताओ कैंटीन कैसी चल रही है तुम्हारी? अल्लाह का बहुत शुक्र है भाई, मेहनत से काम करो दिल लगाकर। और वैसे सायमा इसने बच्चों को उधार देना शुरू किया या नहीं किया? चलो बेटा। अरे हाँ वो याद आया, वो घर की टंकी का क्या हुआ यार? अरे भाई आप उसकी फिक्र नहीं करें, वो मैं कल करवा दूंगा। और वैसे भी कल मुझे सबीन की तरफ जाना है, उसकी वॉशिंग मशीन उठा के रखवानी है, तो आपकी तरफ से होता आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा। भाई साहब खाना तो खा लेते। हाँ नहीं सहमा फिर कभी सही, आज बहुत देर हो गई है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
एक सैंडविच दिएगा और ये कल के पैसे भी काट लीजिएगा। कल के पैसे? आप तो ऐसे बोल रहे हैं अंकल जैसे आपको कुछ याद ही ना हो। अंकल कल पैसे नहीं दिए थे ना हमने। अच्छा मुझे याद नहीं है। मैंने बोला था ना इनको याद नहीं होगा, छोड़ो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काट लो अंकल काट लो। अच्छा कितने थे? 200 काट लिएगा। क्या हुआ? बोल तो दिया है, देखो अब क्या करते हैं ये लोग। यार मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे, क्योंकि वो भी ठेके के उतने ही पैसे दे रहा है जितना के तू। यार वो प्रिंसिपल को फाइलें जो पहुँचाता है, क्या नाम उसका, हाँ इखलाक, मैंने उसको कहा 2-4 पैसे ज़्यादा ले ले, उसका शटर बंद करवा दो। अबे कहीं कर ही ना दे वो। क्यों नहीं करेगा, उसके भी हज़ारों काम फंसते मेरे पास। देख भाई उसको भगा भी देंगे तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा, और कैंटीन तो बंद नहीं करेंगे ना कॉलेज वाले, और जो दूसरा आएगा उसकी क्या गारंटी हो तेरे लिए मसले मसाइल पैदा नहीं करेगा। तू कहना क्या चाह रहा है? इसका एक आसान सा हल है। क्या? देख इस अदनान से मुकमुका कर ले, समझा दे उसको प्यार से, जो आइटम तू रखता है वो ना रखे, जो वो रखता है तू ना रख, दोनों मिल बाट के खा लो आपस में। अबे चल बे, मैं क्यों मिल बाट के खाऊंगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। तुम क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है। अब ये क्या है? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है। ये रोजाना डायरी क्यों लेके बैठ जाती हो? ये जो आप लोगों को उधार देते हैं ना, ये उसका हिसाब किताब है। उधार उधार कुछ नहीं होता बेगम, समझो मेरे पैसे अमानत के तौर पर उनके पास चले गए। अदनान पिछली दुकान भी इसी तरह बंद हुई थी। अरे किस्मत में लिखा था बंद होना तो हो गई, इसमें बेचारे उधार लेने वाले दोस्तों का क्या कसूर है? लगता आपका दिमाग अभी तक ठीक नहीं हुआ। मुझे भाई साहब को बताना ही पड़ेगा कि आपने कैंटीन के साथ साथ खिदमत खल की दुकान भी खोल ली है। साइमा जिसका रिस्क जहाँ लिखा होता है उसको वहीं से मिलता है, ना हम किसी का हाथ रोकते हैं और ना किसी का रिस्क, इसी वजह से हमारी दुकान में इतनी बरकत हो रही है। अरे क्या हाल है? कैंटीन का बंद कर रहा है तू? बस कॉलेज की छुट्टी होने के आधे घंटे के बाद, जिस टाइम रोज बंद करता हूँ। एक काम करो, अभी बंद करो और चले जाओ। मतलब कमा लिया जितना कमाना था, दिन भर का खर्चा निकल आया ना, चलो अब निकलो शाबाश। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे भाई? बहुत आसान जबान में समझा रहा हूँ अभी तक तो। लेकिन मेरे अभी कैंटीन बंद करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? तूने कैंटीन बंद ना की ना तो मेरा माल नहीं बिकेगा। लेकिन आपकी कैंटीन का टेस्ट अलग है और हमारी कैंटीन का टेस्ट अलग है। जो बोला है वो कर, अगर कैंटीन खुली रखना चाहता है ना तो रोजाना आधे टाइम पे बंद कर दिया कर, दोबारा बोलना ना पड़े। दोस्त कैंटीन तो मैं अपने वक्त पर ही बंद करूंगा। साइमा अच्छी तरह चेक कर लो, कोई चीज रह गई हो तो बता दो ताकि मैं भी ले आऊं जाके। नहीं सब कुछ है। पूरू मैं सब भी आएंगी ना आज? हाँ आज तो शमा के सारे कजन आएंगे, चाचू भी आएंगे, ताई भी आएंगी, और हम फिर पार्क भी जाएंगे। जी नहीं आज कोई पार्क नहीं जा रहा, आज सब बच्चे घर में खेलेंगे। आपकी अम्मी तो ऐसी कहते रहती हैं, हम पार्क भी जाएंगे और वहाँ आइसक्रीम भी खाएंगे। अच्छा चलो जल्दी से मुझे अपने कपड़े दिखाओ जो आपने आज पहनने हैं। शाबाश चलो चलो जल्दी जल्दी। लो भाई आज फिर इनका बचपना जाग जाएगा, घर में 100 काम है, इनको तफरी सूझ रही है। बेटा बहुत थक गए, अब उतरो चलो। अब ऐसा करते हैं झूला झूलते हैं, आ जाओ आ जाओ।
अरे भैया आपकी चॉकलेट आइसक्रीम, ये आपकी वनीला आइसक्रीम। चाचू मुझे तो वो छर्रे वाले रंग चाहिए जो मेरी दोस्त अलीजा के पास है। गलत बात बेटा, ऐसे खिलौने नहीं लेते। और वैसे भी मेरी जेब में पैसे नहीं बचे, सिंह जी का किराया भी नहीं है, उससे डिस्काउंट लेना पड़ेगा। ये क्या नाम, इतनी जल्दी कैंटीन बंद कर रहे हो? नहीं नहीं आप बोलें, आपको क्या चाहिए? नहीं कोई बात नहीं, मैं ये सामने से ले लूँगा। अरे नहीं नहीं सर, आप बताइए आपको क्या चाहिए। दो जूस दे दें और एक चिप्स का पैकेट दे दें। जी सर मैं भी लाया। ये लीजिए। खैरियत तो है ना? चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है और इतनी जल्दी कैंटीन क्यों बंद कर रहे हो? कुछ नहीं मास्टर साहब, असल में बेगम की तबीयत ख़राब है, उसके लिए दवा लेके जानी है और तबीयत की ख़राबी की वजह से वो कुछ सामान भी तैयार नहीं कर सकी। अल्लाह खैर करे, ये ले। वो अभी तक फोन नहीं उठा रहे। लाओ बेटा मुझे दिखाओ। हेलो भाई साहब। हाँ वो अदनान अभी तक घर नहीं आए। कैंटीन तो 2 बजे बंद हो जाती है, अब तो 4 बज रहे हैं। हाँ वो कल रात से मेरी तबीयत भी खराब है जी। प्लीज आप जरा देखें, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है जी। अब वो अभी तक क्यों नहीं आए अम्मी? आ जाएंगे बेटा। लो आ गई अब्बू की कॉल। कहाँ हैं आप? टाइम देखा है आपने? यहाँ मैं बुखार में मर रही हूँ और आप? चुप करो। कौन कौन है? तुम्हारा शोहर हमारे पास है, अगर उसकी जिंदगी चाहती हो तो 20 लाख का इंतजाम कर लो, वरना तुमसे पहले वो। हेलो भाई, भाई बात सुनो। हेलो 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 भाई साहब जी, वो अदनान को किसी ने अगवा कर लिया जी, अभी किसी की कॉल आई थी। कौन हो सकता है? कहीं अदनान ने किसी से कर्ज वापस लेने के लिए कोई जबरदस्ती वगैरह तो नहीं की थी? नहीं भाई साहब, वो तो मैं उनके पीछे पड़ी रहती थी कि आप बगैर हिसाब किताब के हर किसी को पैसे देते रहते हैं। वो तो मैंने डायरी अपनी याद दहाने के लिए बनाई हुई है। मैंने जब उनसे कहा कि कॉल करें तो उन्होंने मेरी बात टाल दी। मेरा ख्याल है कि हमें इसकी इत्तला पुलिस को देनी चाहिए। नहीं भाई साहब, उस शख्स ने दूसरी मर्तबा इसीलिए फोन किया था कि अगर पुलिस को इत्तला दी तो। अरे तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी वो सबीन और माजिद भी यहाँ आते होंगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं, कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा। लेकिन इस बात का पुलिस के इल्म में लाना बहुत जरूरी है। अरे शाबाश, तुम उठो कुछ खा लो और फिर दवा ले लो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई मेरे घर वाले आपको 20 लाख रुपए नहीं दे सकते।
अबे कैसे नहीं दे सकते, चलती भी कैंटीन है तेरी। कैंटीन शुरू हुए कुछ अरसा ही तो हुआ है, और वैसे भी इसमें इतनी बचत नहीं है, किराए के घर में रहता हूँ भाई। कैंटीन में बचत नहीं है तो चला क्यों रहा है फिर? घर चलाने के लिए कुछ रूखी सूखी तो बनी जाती है वहाँ से। और 2 बजे कैंटीन बंद करने के बाद जो आगे पीछे से कमाता है वो क्या, तू नहीं देगा तो 20 लाख कौन देगा? भाई मुझसे जो चाहो कसम ले लो, आखिर सब कुछ बेचकर सड़क पर भी आ जाएंगे जब भी आपको 20 लाख रुपए नहीं दे सकते। चुप कर, सब यही रोना रोते हैं। ये तो भाभी की तबीयत फोन पे खराब लग रही थी इसलिए रहम कहा के 15 लाख रुपए कह दिए। जी मैं अदनान का सबसे बड़ा भाई। आप लोगों की किसी से लड़ाई झगड़ा या कोई खानदानी दुश्मनी वगैरह? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और कितने बहन भाई हैं आपके? 2 भाई हैं छोटे और 2 बहनें, अदनान सबसे छोटा है। अगवाकारों की फ़ोन पर सिर्फ आपसे बात हुई? जी। कॉल सिर्फ एक ही नंबर से आती है या अलग अलग नंबर से, और आखिरी कॉल में उन्होंने कितने पैसों की डिमांड की आपसे? जी कॉल एक ही नंबर से आती है और जब मैं कॉल करती हूँ तो नंबर बंद होता है। आखिर में उन्होंने 15 लाख रुपए की डिमांड की है। जी भाई साहब, मैं अभी कॉलेज से ही घर आई हूँ। हाँ उम्मीद तो है कि वहाँ से कुछ इंतज़ाम हो जाए। मैंने उन्हें खुदा रसूल का वास्ता देकर यकीन दिलाया कि सारा जेवर, सब जमा पूंजी, सब कुछ जमा करके भी हो सका तो मैं 3 लाख तक दे सकूँगी। पहले तो 15 लाख मांग रहे थे, अब कम करते करते 6 लाख तक आ गए, लेकिन कह रहे हैं कि 6 लाख से कम नहीं लेंगे। भाई साहब उन्हीं की कॉल आ रही है। हेलो, 3 लाख का अगर इंतजाम हो गया है ना तो कल सुबह नागन चौरंगी के पुल पे पैसे लेकर आ जाना, और हाँ अकेले आना। अगर पुलिस को खबर दी तो पैसों के साथ वापसी पर तुम्हारे शौहर की लाश भी भिजवानी पड़ेगी। हेलो हेलो भाई साहब बात तो सुनो। हेलो हेलो भाई साहब, हाँ अभी उनकी कॉल आई है। हेलो जी, जी भाई साहब मैं पुल के ऊपर हूँ। अच्छा अच्छा भाई
आप जरा पुल से नीचे ले लेंगे। उन्हें शक हो गया है। इंस्पेक्टर साहब, भले हमारे पैसे चले जाएं, लेकिन अदनान की जिंदगी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसे केस में रिस्क लेना पड़ता है। इतना वक्त क्रिमिनल को देना नहीं चाहिए। हमारी भाभी अभी तक अटका नहीं पा रही है। इंस्पेक्टर साहब, अगर वो लोग उसे घुमा रहे हैं तो उस बेचारी का क्या कसूर है? अब उसने कोई ट्रेनिंग तो नहीं ली हुई है क्रिमिनल्स को घेरने की? ये तो आप लोगों की ड्यूटी है ना साहब। वापस चलो। तुम ऐसा करो, दोबारा उन्हें बोलो फोन करें। अब हम रोड ही तब्दील कर लेते हैं, पीछा नहीं करेंगे उनका। हेलो जी भाई साहब। हाँ हाँ सायमा, क्या कहा उन लोगों ने? भाई साहब, उन्होंने फिर से नागन पे बुलाया। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब नागन बुलाया है उसको। हेलो, दूसरी कॉल पे तुम पुलिस से बात कर रही थी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो घर की कॉल आई थी जी। इतना टाइम हो गया ना मुझे बाहर, खुदा का वास्ता आपको, आप ये रकम ले लें मुझसे और मेरे शोहर को छोड़ दें। हेलो भाई, बाजी ऐसा कोई किस्सा था तो आपने मुझे पहले बता दिया होता, क्यों मेरे लिए आप मसला बना रही हैं? मैं आपको दूसरा रक्षा करा देता हूँ, मैं आपके साथ मस्जिद नहीं घूम सकता। भाई प्लीज मेरी मजबूरी को समझे, आपके जितने पैसे बनेंगे मैं दे दूंगी, बस बस कुछ देर और। हम तो आगे बढ़ने का रिस्क लेते, लेकिन उसमें भी आप लोगों को टेंशन है। जाहिर है, वो मेरा भाई है। और माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, कोताहियां आपकी टीम की तरफ से भी हो रही थी। वायरलेस पे बैठे हुए लोगों और चौरंगी पे खड़े हुए अहलकारों को इस बात की तश्वीश थी कि छुट्टी का वक्त खत्म हो गया। देखिए, इसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जैसे सबको वक्त पे ड्यूटी से छुट्टी चाहिए होती है, तो मेरी बात समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? रेड हो या कोई ऑपरेशन, ये उनकी रूटीन ही की ड्यूटी है। उनकी ड्यूटी का पहला फर्ज है शहरियों की मदद करना, जो कि ड्यूटी के वक्त छुट्टी से मशरूत नहीं है। सर सर, उन्हीं की कॉल आ रही है। हेलो, पुलिस को क्यों बताया? नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने तो पुलिस को नहीं बताया। कल सुबह आखिरी मौका है तुम्हारे पास भाभी, जहाँ बोलो वही आना और अकेले आना। और अगर घर वालों का भी रब्ता हुआ तुमसे तो शौहर का रब्ता खत्म कर दूंगा। और हाँ, अगर शौहर घर आ जाए तो उसे समझा देना कि कैंटीन का बंदोबस्त कहीं और कर ले। भाई भाई मेरी, हेलो हेलो, क्या कह रहे थे? सुन लिया तूने? इसका मतलब है तुम लोग उस कैंटीन वाले के साथ? अबे कोई किसी के साथ नहीं, जितना समझाया उतना भेजे में रख, ज्यादा सोचेगा ना तो तेरे लिए खतरा बनेगा। लेकिन हर इंसान अपने नसीब की रोजी कमाता है भाई, अगर उस भाई की कैंटीन नहीं चल रही तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अबे चुप कर, कैंटीन बदलनी है तो बस बदलनी है, कल हर हाल में इसे निकालना पड़ेगा।
सामने झाड़ियाँ दिख रही है। सामने झाड़ियों पे पैसे फेंक दो। अब वापसी मुड़ जाओ, सीधा सराफगोट निकल जाओ, वहां पर एक ट्रक खड़ा होगा, उसमें तुम्हारा शौहर होगा। आपको खास लोकेशन बताई थी कि हमारा ट्रक फलानी जगह पे खड़ा होगा? नहीं सर, उन्होंने बस यही कहा था कि आपका शोर सराफगोट पे किसी ट्रक में मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप कहें तो उनको फोन करके दोबारा पता करें। ट्राई कर ले, अगर नंबर लग जाए तो। नंबर बंद है। मैं तो कहता हूँ साइमा, तुम भी हमारे साथ चलो। चलो, जब तक कि वो नहीं। भाई साहब शुक्रिया, मैं यहीं ठीक हूँ। अब्बू कहाँ हैं? आप तो उन्हें लेने गई थी ना बेटा। वो अम्मी आप रो क्यों रही हैं? क्या अब्बू ने घर आने से मना कर दिया है? नहीं बेटा, आपके अब्बू घर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। आप उनसे कह दें कि मैं उनसे बहुत नाराज हूँ और अब मैं उनसे बात भी नहीं करूँगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। आपके अब्बू नाराज थोड़ी हैं, वो एक जरूरी काम में फंसे हुए हैं। जैसे ही फारिग होंगे फौरन घर आए, ठीक है? नहीं, रोते नहीं। हेलो, इंस्पेक्टर मोरूजो बात कर रहा हूँ, नाजमाबाद थाने से। जी इंस्पेक्टर साहब। बीबी आपके शोहर की नाश मिली है। बीबी आपके शोहर की नाश मिली है नाले के किनारे। अदनान को बेरहमी से कत्ल करके चंद फिट के ट्रंक में फेंक दिया गया। 20 लाख के मुतालबे के बाद 3 लाख तावान पर राजी होना, अगवाकारों का कैंटीन को बंद करने की धमकी देना और तावान वसूल करने के बाद भी अदनान को कत्ल कर देना। तहकीकी अफसर का मानना है कि अदनान के अगवा और कत्ल में मरकजी किरदार दूसरी कैंटीन के मालिक का है। उसका असल मकसद अदनान को रास्ते से हटाना था, जिसके लिए उसने अगवाकारों की मदद ली। अगरचे कैंटीन का मालिक इस वक्त पुलिस की जेरे हिरासत है, लेकिन ताहाल उसने अपने जुर्म का इतराफ नहीं किया है। Thank you.